नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता मैदान में जा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बात करते हैं जावरा के विधायक राजेंद्र जी पांडे हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से सोचते हैं जावरा में कितनी मजबूत जो है भारतीय जनता पार्टी, क्या मानते कितनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पर प्रारंभ से बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र भर में बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, बहुत व्यवहारिक है और बहुत निष्ठावान होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर जाकर के संपर्क करता है, घर घर जाकर के मतदाताओं का आशीर्वाद लेता है और घर घर जाकर के मतदाताओं को निकाल करके मतदान करवाता है। और मेरा आत्मविश्वास कहता है कि विधानसभा में जिन चुनौतियों को स्वीकार किया था, जिन विपरीत परिस्थितियों में जावरा विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 26,000 वोटों से जीता था और तब कांग्रेस को जावरा विधानसभा क्षेत्र में कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल पाया था। कांग्रेस तो वैसे ही समाप्त हो गई है, कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे विधानसभा क्षेत्र आलोट से लेकर के आई थी, उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिला था, तो कांग्रेस तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। और अब तो मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और माननीय राम लला की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज जन जन में राम विराजित है, उस राम का विश्वास लेकर, उस आस्था और विश्वास को लेकर के जन जनता पार्टी के प्रति समर्पण है और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से तरह से विजय हो रही है। और मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि जावरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी तरफ से लगभग 45,000 से 60,000 की लीड लेकर के विधानसभा क्षेत्र में जावरा विधानसभा जहाँ पे जीआई टेक लहसुन को मिला है, किस तरह का प्रयास रहे, कितनी बड़ी बात क्षेत्र के लिए? हमने लगातार प्रयास किए थे क्योंकि मैं प्रारंभ से लंबे समय से विधायक हूँ और विधायक होकर के हमने जिला योजना समिति की कार्य योजना में उसको लिया था, एक वर्किंग एजेंसी के माध्यम से हमने कार्य प्रारंभ किया था। वहाँ के ग्राम रियावन के निश्चित रूप से उन किसान भाइयों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ, वे बहुत परिश्रमी है और युवा वहाँ पर बहुत कुशल के साथ में खेतीबाड़ी करते हैं। और अब वे पहले ऊटी से जाकर के रियावन अपने लहसुन लाया करते थे, उसका बीज लाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहीं पर उन्होंने प्रयोग किया, हम सबकी जानकारी में रहा करता था, हमारी जानकारी में आया, कृषि विभाग के अधिकारियों को हमने वहाँ पर भेजा, यहाँ पर विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को विशेषज्ञों को वहाँ पर भेजा, वैज्ञानिक लोग वहाँ पर पहुँचे, उनके साथ में संयुक्त बैठ कर हमने कलेक्टर साहब बैठ करके चर्चाएँ की और उस चर्चा के माध्यम से हमने कार्रवाई को प्रारंभ किया। हमें थोड़ा समय जरूर उसमें लगभग 1.5-2 साल का समय उसमें लगा, ये तब हमने कोरोना काल के समय कार्रवाई को प्रारंभ किया था। मुझे प्रसन्नता है कि रियावन टैग को जियो टैग मिल गया और आज हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम रियावन जियो टैग लेकर के पूरे देश भर ही नहीं वरन अपने लहसुन को लेकर के पूरे विश्व भर में विश्व विख्यात हुआ है, तो ग्राम रियावन को तो सम्मान मिला ही मिला। जावरा विधानसभा क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है, हमारा रतलाम जिला गौरवान्वित हुआ है, हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ है, मेरे मध्य प्रदेश के, मेरे जावरा विधानसभा क्षेत्र के और मेरे ग्राम रियावन के समस्त किसान भाई सम्मानित हुए, इतनी प्रसन्नता मुझे है। आखिरी बड़ा सवाल, इस लोकसभा चुनाव में एटलाइन का मुद्दा भी तेजी से गर्माता दिख रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि ये तो काम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी करना ही थे, क्यों बुझाने की कोशिश कर रही बीजेपी, इस तरह का आरोप है? कांग्रेस शायद ऐसा आरोप इसलिए लगाती है, लगभग 75 साल से तो ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए को, और 75 साल में से जैसे मैंने विगत आम सभा में भी व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी को तो मध्य प्रदेश में मात्र 18-20 साल का समय मिला है लगातार काम करने का, और अगर देश भर की बात करें तो लगातार काम करने का यह 10 साल का समय मिला है। अगर इन 20 सालों को देखा जाए राज्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और 10 साल को देखा जाए पूरे देश भर के लिए, तो सारे जो बड़े विकास कार्य हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लेकर के बनने वाली 8-लेन सड़कों से लेकर के 4-लेन तक के कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकारों के द्वारा प्रारंभ हुए, 75 साल में से जो लगभग 60 साल तक राज करते रहे पूरे देश पर और प्रदेश पर, ये 60 साल में ये काम नहीं कर पाए थे, हमने 20 और 10 साल में करके दिखा है। और मेरा जावरा विधानसभा क्षेत्र फिर से गौरवान्वित हुआ है, सम्मानित हुआ है, क्योंकि 4-लेन का भूमि पूजन जावरा से नया गांव और जावरा से लेबर, उसका सेंटर भी जावरा, जावरा में भूमि पूजन हुआ था, माननीय राजनाथ सिंह जी तब पधारे थे, जो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री रहे, तात्कालिक रक्षा मंत्री रहे, माननीय शिवराज सिंह चौहान पधारे थे। और अभी फिर हमारा सौभाग्य रहा कि हमारा ग्राम भूतेड़ा जावरा विधानसभा जावरा तहसील का ग्राम भूतेड़ा,
इस बम्बई से दिल्ली का जो 8 लेन मंजूर हुआ उसका भी सेंटर जावरा ही आया और उसका भी लोकार्पण करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली बार हमारे क्षेत्र का पूरा निर्माण कार्य पूरा हो गया था तो केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी वहाँ स्वयं पहुंचे और उन्होंने आकर के उसे लोकार्पित किया और खुद उन्होंने वहाँ पर गाड़ी में बैठ करके ड्राइव किया था और ड्राइवर से कहा था 130 की स्पीड पे चलाना और ये बॉटल जो पड़ी है पानी की, इसका पानी भी डोले नहीं होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। उसने 130 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई थी और पानी भी नहीं झलका था। ऐसी सुंदर सड़क आज बनकर के तैयार हुई है। 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाए, 7 घंटे में आज बम्बई पहुंच जाए। मेरे कृषकों के जो उत्पादन होते हैं, कृषि कार्य की जो उत्पादन की चीज़ें रहती है, खेती बाड़ी की चीज़ें जो रहती है, वह भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें ले जा करके आज बड़ौदा जा करके बेच सकता है, तो आज दिल्ली जा करके बेच सकता है, तो आज बम्बई जा करके बेच सकता है। और हमारे युवा उद्यमी अगर और दूर दराज जाना चाहते हैं, वो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, वरन सेंटर जावरा होने की वजह से वहाँ पर छोटे बड़े जो औद्योगिक कार्य हैं, जो छोटे बड़े व्यावसायिक व्यापारिक कार्य हैं, वे निश्चित रूप से वहाँ पर प्रारंभ होंगे और हमारा क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा और विकास की गति हमारी और तेज हो जाएगी इस 8 लेन के बनने के कारण। निश्चित रूप से हमें इस बात को लेकर के बहुत प्रशंसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। तो ये थे राजेंद्र पांडे जी विधायक साहब, जिनसे हमने बात की किस तरीके से जो है तमाम जो मुद्दे कांग्रेस के साथ जिस तरह के जमीनी मुद्दे उन मुद्दों को लेकर, एक बड़ी बात है कि जावरा का ऊटी लहसुन जो जिसको GI टैग मिला है उसे लेकर भी अब जो है कहीं गए जो है वो अपनी सुर्खियां बटोर रहा है।